नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की 10 प्रमुख खबरों पर। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी सहयोगी हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के नाम पर वसूली फेक कॉल ऐप से फिरौती मांगने के मामले में 6 अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के नवोदय स्कूल में फूटा कोरोना बम, एक साथ 22 छात्राओं समेत 5 शिक्षकों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना के कारण एटीके मोहन बागान का लगातार दूसरा मुकाबला स्थगित, लीग पर मंडराया खतरा। देश में कोरोना का तांडव, 24 घंटे में 2.68 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, सरकार ने अपडेट किए दिशा निर्देश। बसपा प्रमुख मायावती ने जारी की पहली लिस्ट, 53 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा। कपिल शर्मा पर जल्द बनने वाला है बायोपिक फुकरे फेम, मृगदीप सिंह लांबा करेंगे डायरेक्ट। छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं पहनने वाले 24 रेल यात्रियों पर जुर्माना, रेलवे की टीम ने की कार्रवाई। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे थे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।